नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स एंड द प्रैक्टिस सेट 1.2। ओके, जो भी पार्ट हम लोग का एलएसएम में से अभी डिस्कस करने का बाकी है, उस पार्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सो रियल नंबर्स, यू नो दैट द ऑल द नंबर्स मीन्स वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड देन रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड ऑल दिस नंबर्स आर नथिंग बट द रियल नंबर्स। ओके, आपको एक बात बता दूं मैं कि रियल नंबर्स ये लेसन में हम लोग एक्चुअली आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी डिफरेंट पार्ट्स मीन्स नाउ इरैशनल नंबर्स। ओके, व्हाट आर द इरैशनल नंबर्स? इरैशनल नंबर्स आर वन ऑफ द टाइप ऑफ रियल नंबर्स इन विच द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो दैट टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज द इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स जो है कि उनके डेसिमल फॉर्म जो भी रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है और क्या हो नॉन रिकरिंग रहता है, मतलब उसका जो भी डेसिमल में जो भी नंबर्स आता है वो रिपीट नहीं होता और वो सीरीज जो रहती है वो कंटिन्यू रहती है, इसलिए उसको इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो हम लोग को फर्स्ट जानना है कि इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। ओके, रैशनल नंबर्स हम लोग को बताया कि पी अपॉन क्यू इस फॉर्म में हम जो भी नंबर्स लिखते हैं एंड ए एंड बी आर द इंटीजर्स। ओके, पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स और ए अपॉन बी फॉर्म में लिख देंगे, तो ये जो फॉर्म है लिखने का उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। एवरी नंबर इज रैशनल नंबर एक्चुअली। ओके, तो ये रैशनल नंबर हो गया और इरैशनल नंबर्स जो है हम लोग मोस्टली रूट में लिख देते हैं, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट टेन, रूट सेवन, दीज आर द इरैशनल नंबर्स। ओके, तो अभी क्या करना है हम लोग को इस लेसन में, हम लोग को इरैशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन भी सीखना है, हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर जो आपको दिया रूट टू इज़ अ इरैशनल नंबर, हम लोग को प्रूव करना है हाउ टू प्रूव रूट टू इज़ अ इरैशनल नंबर्स। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर्स, सो मैं बताऊंगा आपको। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी रैशनल नंबर विद अ इरैशनल नंबर इज़ अ इरैशनल नंबर, उसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो इरैशनल नंबर रहेगा। आप जब एडिशन करते या सब्सट्रैक्शन करते हो कि रैशनल नंबर्स विद इरैशनल नंबर्स, उसका जो भी फॉर्मेट आता है, जो भी आंसर आता है, वो हमेशा इरैशनल नंबर ही रहता है। ओके, ये तो फर्स्ट बात होगी। सेकेंड बात ऐसी है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं रैशनल नंबर विथ इरैशनल नंबर, देन द सोल्यूशन इज ऑलवेज इरैशनल नंबर। ओके, एंड वेन यू डू द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ इरैशनल नंबर विथ अ इरैशनल नंबर, देन द प्रोडक्ट और देन द आंसर और देन द सोल्यूशन विल बी ए रैशनल नंबर और ए इरैशनल नंबर। ये रही आपकी प्रॉपर्टीज, आपको याद रखनी है। सारे के सारे पॉइंट्स आपके बुक के अंदर दे दिए, आपको वंस उनको ग्लांस करना है, आपको समझ के लेना है, अंडरस्टूड करना है। ओके, तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, कि जो भी चीज़ रहती है वो आसान, मतलब सारी की सारी चीज़ें आसान नहीं रहती, उनको आसान करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को ध्यान दे के उसके ऊपर कॉन्सनट्रेट करके उसको इलस्ट्रेट करके उसको समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। ओके, तो ये रहेगी आपके इरैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, मैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊँगा आपकी रियल नंबर्स की। इसके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ रिलेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है आपको मैं बताऊँगा। सपोज ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, देन देर इज़ वन चांस ए विल बी इक्वल टू बी, मतलब फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से इक्वल रहेगा, सेकेंड ए विल बी लेस दैन बी एंड थर्ड विल बी ए विल बी ग्रेटर दैन बी। इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी, इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहने वाली है व्हेन योर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। ओके, इसमें से एक कंडीशन रहेगी ए बी के बराबर रहेगा, नहीं तो ए बी से छोटा रहेगा, नहीं तो ए बी से बड़ा रहेगा। ओके, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है अगर दो रियल नंबर रहते हैं एंड बी आर द रियल नंबर्स। सेकेंड ए इज लेस दैन बी एंड बी इज लेस दैन सी, आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ए इज लेस दैन बी एंड बी इज लेस दैन सी, देन ए इज लेस दैन सी, बिकॉज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी से छोटा है, इफ ओके एंड बी क्या है सी से छोटा है, तो ए ऑब्वियसली सी से छोटा ही रहने वाला है। ओके, सेकेंड मेरे पास, थर्ड मेरे पास है ए इज लेस दैन बी, देन ए प्लस सी इज ऑल्सो लेस दैन बी प्लस सी। ओके, ए इज लेस दैन बी, देन ए प्लस सी, मैंने ए में भी सी ऐड कर दिया और बी में भी सी ऐड कर दिया, तो वो भी उससे छोटा ही रहने वाला, ए प्लस सी इज ऑलवेज लेस दैन बी प्लस सी। ओके, इफ ए इज लेस दैन बी एंड सी इज ग्रेटर दैन जीरो, देन
ए सी इज लेस देन बी सी, आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ए हमारे पास है वो बी से छोटा है और सी क्या है, जीरो से बड़ा है, ओके okay? तो ए सी इज ऑल्सो लेस देन बी सी माइनस एंड एंड क्या है, सी इज ऑलवेज लेस देन जीरो, यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर रहेगा ये दो कंडीशन है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड, इफ सी इज लेस देन जीरो देन ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन जीरो, ये आपको याद रखना है। ये रियल नंबर्स के ऑपरेशन की कुछ, रिलेशनशिप्स की कुछ, ऑर्डर ऑफ रिलेशन ऑन रियल नंबर्स की कुछ क्या है, कंडीशन से टर्म्स से आपको याद रखनी है। तो चलो अब हम लोग एक छोटी सी चीज़ सीख लेते हाउ टू रिप्रेजेंट ए इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर इज अ नंबर इन विच अ डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ओके। जिसका डेसिमल जो फॉर्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, वो ख़त्म ही नहीं होता है, नॉन रिकरिंग रहता है कि उसका रिपीटेशन उसके नंबर्स का नहीं होता है, ऐसे एक फॉर्म को हम लोग बोल देते हैं इरेशनल नंबर, ओके। तो ये इरेशनल नंबर्स है, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ए इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, उसमें से एक क्वेश्चन आपको दिया है रिप्रेजेंट रूट 5 एंड रूट 7 रूट 10 ऑन अ नंबर लाइन, वो क्वेश्चन हम लोग अभी के अभी इसी टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन विल सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 1.2 एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज सर्ड्स। सर्ड्स को स्टार्ट करेंगे, आपके हर एक प्रॉब्लम का मुझे सोल्यूशन मतलब आपको समझ में आना चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। आप अगर समझोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, तो इट्स वेरी वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी, ओके। ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, बट वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, आपको हर टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, आसानी से कुछ नहीं आता है दोस्तों, कुछ तो करो तो आपको कुछ मिलेगा, ओके। सो लेट्स ओके डिस्कस अबाउट द हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ओके। सो वी लर्न अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर किस तरह से निकलना है हम लोग सीख लेंगे अभी। एक चीज़ याद रखो, आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10, ये जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उनको किस तरह से निकाला जाता है मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आपको वन लॉजिक आपको याद रखना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन ऑन विच नेगेटिव नंबर शुड बी प्रेजेंट, जीरो शुड बी प्रेजेंट एंड पॉजिटिव नंबर शुड बी प्रेजेंट। ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये रियल नंबर लाइन है और इसके ऊपर हम लोग इरेशनल नंबर्स निकालने वाले हैं, ओके। तो रूट टू कैसे निकालेंगे हम लोग, मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द पॉइंट्स, आपको क्या करना है, पॉइंट्स लेना है। यहाँ पे देख लो मैंने नंबर लाइंस निकाले, मुझे रूट टू निकालना है, रूट थ्री निकालना है, रूट फाइव रूट टेन कंबाइन निकालेंगे हम लोग इस लाइन पे। तो आप सीख लो पहले, तो ये जो दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, ओके। सो माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ओके, मान लो ये मेरे पास पॉइंट्स है। अभी मुझे क्या करना है, रूट टू निकालना है, ओके। तो मैं आपको बोलूँगा कि प्रोटेक्टर आपके पास रहने वाला है, उसको आप यहाँ पे यूज़ करो। आपको ये प्रोटेक्टर इस तरह से इस नंबर लाइन को टच करके क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक वन पॉइंट हेयर, आपको यहाँ पे एक पॉइंट लेना है। उसके बाद में इसको क्या करना है, आपको इसको आपको ज्वाइन कर देना है, आपको क्या करना है, इसको इसको ज्वाइन कर दो आप, क्योंकि मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट हो गया, क्या हो गया, नंबर वन पे मैंने पॉइंट लिया है ताकि मुझे रूट टू निकालना है, मुझे क्या निकालना है, रूट टू निकालना है, ओके। अभी मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है टू का लिया है, एक्चुअली वैसे आप वन का ले सकते हैं नोटबुक के ऊपर, यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ टू का डिस्टेंस ले लेता हूँ। तो मुझे ये जो डिस्टेंस मिलेगा, मान लो मैंने ये पॉइंट को नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया ओ, ओके। तो ये जो डिस्टेंस बनता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बोलेंगे इसको, वन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वन बोलेंगे, ओके। तो अभी क्या करना है, मुझे यहाँ से मुझे इसको ज्वाइन कर देना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये 90 का एंगल बन जाता है, यहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा आपका, और ये जो डिस्टेंस आएगा इसको मैं बोलूँगा रूट टू डिस्टेंस। अभी कैसे आएगा ये मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, क्या करना है, पाइथागोरस। चलो यहाँ पे मैं थ्री पॉइंट्स को नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करूँगा। हाइपोटेन्यूज जो बनता है इसको मैंने क्या नाम दिया, ए बी ओ, ओके।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने डायग्राम को अकॉर्डिंग लिखा, आपको सेपरेट लिखना है। ओके, ये मैं आपके समझ के लिए लिख रहा हूँ, ए बी ओ। ओके, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90। एंगल ए बी ओ क्या है? 90। आपको हर जगह पे सेम यूज़ करना है, आप एक बार ये देख लो तो बाकी आप खुद कर देना। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको ओ ए स्क्वायर निकालूंगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, और ये दोनों का क्या आएगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा वन प्लस वन, तो ये बनेगा रूट टू, ये बनेगा रूट टू। ओके, तो मैंने डिस्टेंस ले लिया, मैंने इसको इनिशियल ओ पॉइंट से ज्वाइन किया, क्या किया, इनिशियल ओ पॉइंट से ज्वाइन किया। आपके पास कंपास रहने वाला है, इसको क्या करो, अभी आप इसका यूज करो, आप आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में इसको रख के एक पॉइंट पे देख लो आप बराबर डिस्टेंस है क्या नहीं। यू हैव टू कीप दिस कंपास लाइक दिस, आपको क्या करना है, कंपास इस तरह से मतलब लेना है, और आपको इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, और आपको क्या करना है, इसको विदाउट मूविंग, ओके, आपको क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है। ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ओके, ये जो पॉइंट आएगा आपका, इसको क्या करना है, आपको नाम देना है। यहाँ पे ये जो पॉइंट रहेगा ये आपका रूट टू रहेगा ऑन द नंबर लाइन, और इसको कोई भी एक नाम दे दो आप, सपोज ए बी ओ दिया, मैं इसको पी नाम देता हूँ, सो पॉइंट पी रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से आपको निकालना है, खाली आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। याद रखो, पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन के बगैर सॉल्व नहीं होता है। आपको खाली राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड सो अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, ये आपको रूल यूज करना है। और आपका कोई भी नंबर रहेगा, आपको सेम वे यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दी नंबर, आपको क्या करना है, वो नंबर लाइन पे निकाल देना है। ओके, तो चलो ये फर्स्ट हो गया, हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ आते हैं, हम लोग को सेकेंड रूट थ्री निकालना है। ओके, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट थ्री जो है, ओके, उसको निकालने के टाइम पे मुझे वापस, मैं आपको बताऊंगा, सेम मेथड। ओके, रूट थ्री निकाल दे आप, तो पहले इसको क्या करो, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यूज़ करो प्रोटेक्टर का, आपके पास प्रोटेक्टर रहने वाला है तो ले लो प्रोटेक्टर। फर्स्ट मैंने ले लिया प्रोटेक्टर, मैं इसको लाइन को इस तरह से टच करता हूँ। ओके, सेम रूल यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है और कुछ नहीं यूज़ करना है, आप और कुछ यूज़ करने के पीछे जाओ मत। फर्स्ट आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है यहाँ पे, चलो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, कर लिया मैंने। ये जो डिस्टेंस वन का है उतना ही डिस्टेंस मुझे यहाँ पे काउंट करके लेना है, तो मैंने वो डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे, उसको फर्स्ट अपन ज्वाइन कर दो यहाँ पे, क्योंकि मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। ओके, सेम वे मैं इसको नाम देता हूँ ए बी ओ, मान लो मैंने ये नाम दे दिया। वापिस आपको क्या करना है, यही रूल फॉलो करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपको यूज़ करना है, ये बात याद रखो आप, पाइथागोरस थ्योरम के बगैर इसका सोल्यूशन नहीं आता है। वापिस आपको ये कंपास लेना है और ये डिस्टेंस काउंट करके आपको स्ट्रेट, मतलब यहाँ से आपको, क्योंकि ये लाइन मिलेगा और ये जो रहेगा रूट टू रहेगा, क्या रहेगा, रूट टू, लेकिन मुझे रूट थ्री चाहिए, इसलिए मैं वापस इसको नाम दे दूंगा एक कुछ भी, इसको मैंने पी नाम दे दिया मान लो, और यहाँ से मैं स्ट्रेट एक लाइन निकालूंगा, ये भी परपेंडिकुलर लाइन रहने वाली है। ओके, चलो सेकेंड लाइन आई, वापस आपको क्या करना है, यहाँ पे भी वन ही डिस्टेंस लेना है, और क्यों लेना है मैं बताऊंगा आपको इसके पीछे का रीज़न, ताकि ये जो डिस्टेंस बन जाता है आपका, ये रूट टू बन जाता है, क्या बन जाता है, रूट, ये आपको फर्स्ट मिला था रूट टू, अभी हम लोग को क्या निकालना है, रूट थ्री, और एक कैसे निकालना है मैं बताऊंगा आपको ये। सो यू हैव टू ज्वाइन दिस नाउ अगेन। ओके, मैंने ज्वाइन कर दिया इसको, मैंने सपोज इसको क्यू नाम दे दिया, मैंने इसको मैंने नाम दिया है पी, और ये रहेगा वन। ओके, वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, कैसे आएगा मैं बताता हूँ, देखो, देयरफॉर ए क्यू स्क्वायर, ये बना ए क्यू इज इक्वल टू आएगा ये ए पी स्क्वायर प्लस आएगा पी क्यू स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा रूट टू स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, रूट टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर निकालेंगे तो टू बाहर आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन रहेगा, कंबाइन करेंगे थ्री बनेगा, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू क्या रखेंगे, रूट थ्री। तो ये जो बनता है यहाँ पे रूट थ्री बनेगा,
अभी इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, कंपास का यूज़ कर लेंगे। चलो कंपास से हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो इसका डिस्टेंस आपको इस तरह से लेना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, मतलब एक ओके, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, इसको मैंने एम नाम दे दिया मान लो, तो ये एम पॉइंट आपका जो रहेगा ये रूट थ्री रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन पे। ओके, यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। फर्स्ट एक बात याद रखो, आपके नोटबुक पे बहुत अच्छी जगह रहती है, उसको क्या करो, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन लिख दो इन राइट एंगल ट्रायंगल, बाद में आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, वो पॉइंट्स को नाम दे दो ए बी सी पी क्यू आर, आपको जो पसंद आए हो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालो, और आप कंपास यूज़ करके यहाँ से कर्व निकालो, जो कर्व जहाँ पे टच करेगा वो पॉइंट आपका क्या रहेगा, रूट थ्री रूट टू रूट फाइव रूट टेन रहेगा नंबर लाइन पे। ओके, इस तरह से आपको निकालना है। ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स एंड ड्रॉ दी गिवन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाया कि रूट थ्रू टू कैसे निकालते हैं, ये रहेगा रूट थ्री। अभी हम लोग बात करते हैं कि रूट फाइव एंड रूट टेन किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे। आपको वापस यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्टर लेना है। ओके, प्रोटेक्टर ले लो आप, प्रोटेक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पे नंबर लाइन है मेरे पास, तो मुझे अभी रूट फाइव निकालना है। ओके, तो रूट फाइव आपको बता दूँ कि रूट फाइव टू स्क्वेयर इज़ फोर। ओके, तो टू स्क्वेयर के आगे आने वाला है। ओके, तो टू स्क्वेयर पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर से ही करना है, प्रोटेक्टर बिकॉज इट विल गिव एग्जैक्ट परपेंडिकुलर, आपको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मिलेगा। यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके, तो ये बन गया परपेंडिकुलर, तो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया। अभी मुझे यहाँ पे वन पॉइंट पे इसको सेट कर लेना है, तो मान लो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट ए, ये रहेगा बी, ये रहेगा सी, और इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो ये बनेगा आपका। ओके, देखो अभी ये डिस्टेंस टू ए वन है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर निकालेंगे, भाई पाइथागोरस थ्योरम लिखना है आपको, ए सी स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये ए सी स्क्वायर, अभी फर्स्ट आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा। ओके, ए बी तो टू डिस्टेंस से टू स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वन स्क्वायर, अब बताओ ये टू डिस्टेंस ये वन है, तो यहाँ पे फोर प्लस वन आएगा, इसको मैं कंबाइन करूँगा रूट फाइव आ जाएगा। यहाँ पे मैं डॉट डॉट लिखता हूँ, ए सी इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट फाइव आएगा। ओके, आप लिख दो, तो आपको ये मिल गया रूट फाइव। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये रूट फाइव डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलता है, लेकिन उसका पॉइंट आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अगेन यू हैव टू यूज़ दिस कंपास। ओके, कंपास को यूज़ करो आप, कंपास का वन एंड यहाँ पे रख दो, सेकेंड एंड यहाँ पे रख दो, और आपको क्या करना है। ओके, ये पॉइंट जो आपको मिलेगा, दिस पॉइंट विल गिव यू, सपोज इसको मैं डी नाम देता हूँ, ये बन गया आपका रूट फाइव। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, रूट टेन निकालना है। क्या करना है, रूट टेन, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, रूट टेन है और रूट टेन जो है थ्री का स्क्वायर रहता है आपका क्या, नाइन, तो नाइन के आगे होना है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लो पहले। चलो मैं परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ ये नाइन पे, और इसको मैं ज्वाइन करता हूँ थ्री से। ओके, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने थ्री से। ओके, दिस इज जॉइनेड। ओके, आपको क्या करना है, अभी देखो इसको ए बी सी डी नाम दिया मैंने, या इसको ई नाम देता हूँ मैं, और इसको मैं वापस वन यहाँ पे डिस्टेंस लेके क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको वापस आपके इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ओके, इसको ज्वाइन कर दो। ओके ओके, सो ई इसको एफ नाम दे दो। ये टोटल डिस्टेंस है आपका ये थ्री है, एंड दिस इज वन, अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, तो आएगा आपका देयर फॉर ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस आएगा आपका ई एफ स्क्वायर। ओके, तो ये थ्री स्क्वायर आएगा, ये वन स्क्वायर आएगा, नाइन प्लस वन हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा टेन, देयर फॉर ए एफ इज इक्वल टू रूट टेन। ओके, तो ये बन गया रूट टेन आपका, ये जो डिस्टेंस बनता है रूट टेन बनता है, लेकिन उसका पॉइंट कहाँ पे आएगा हम लोग को देखना है। तो क्या करते हैं, हम लोग वापस कंपास ले लेते, वन इनपुट हियर ऑन द इनिशियल पॉइंट आपको एक लिखना है,
आपको एक इनिशियल पॉइंट पे रख देना है और बाद में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. ओके, सो दिस पॉइंट गिव्स यू रूट. ये जो पॉइंट है ये देगा आपको रूट 10. ओके, इस तरह से आपको निकालना है. सो इट इज़ वेरी इजी, आपको ये आराम से आ जाएगा. ओके, कि इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है. आपको आपके पास जो कंपास है उसके अंदर जो प्रोटेक्टर है, आपके पास कंपास प्रोटेक्टर जो भी है, इंस्ट्रूमेंट पेंसिल है, सबको यूज़ करो, स्केल को यूज़ करो, प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर्स आप नंबर लाइन पे इजीली निकाल सकते हो. ओके, ये पॉइंट है आपको, ये मतलब ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रेजेंट रूट फाइव एंड रूट टेन ऑन द नंबर लाइन. तो ये रहेगा आपका रूट फाइव एंड रूट टेन ऑन द नंबर लाइन. एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है. ओके, तो उसके बाद ही आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद वो नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है अपने माइंड से. खाली मतलब मैंने जैसे बताया नहीं, राइट इन द पर्टिकुलर वे, रिप्रेजेंट एवरी स्टेप इन द पर्टिकुलर वे, अच्छी तरह से लिखो, बाद में नंबर लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर इरेशनल नंबर्स आपको निकाल देना है. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट. हमारे पास अभी क्या बचा है, प्रैक्टिस सेट 1.2 हम लोग को डिस्कस करना है, फिर उसके आगे बढ़ना है. ओके, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, हम लोग को क्या करना है, रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर प्रूव करना है. ओके, रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज़ अ इरेशनल नंबर, रूट फाइव इज़ अ इरेशनल नंबर, इज़ एन इरेशनल नंबर, रूट टेन इज़ एन इरेशनल नंबर. ए इरेशनल नंबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है. हम लोग इसको बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या, आपको प्रूव करना है कि ये है, लेकिन कैसे आपको प्रूव करना है. तो चलो एक बार प्रूव करते हैं कि हाउ रूट टू इज़ अ एन इरेशनल नंबर. हम लोग प्रूव करेंगे हाउ रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, हाउ रूट थ्री इज़ एन इरेशनल नंबर, हाउ रूट फाइव इज़ एन इरेशनल नंबर, हाउ रूट टेन इज़ एन इरेशनल नंबर. मैं खाली रूट टू का प्रूफ लिखूंगा, लेकिन दोनों के प्रूफ मतलब रूट थ्री का, रूट फाइव का, रूट टेन का प्रूफ सेम रहेगा. आपको सेम मेथड से उसको प्रूफ करना है कि इट इज़ एन इरेशनल नंबर. आपको एक ही मेथड फॉलो करनी है, ये मेथड चेंज नहीं करनी है आपको. कि चलो मैं मान लेता हूँ, चलो मुझे प्रूफ लिखना है, मैं इसका प्रूफ लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा कैसे. सपोज रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, हम क्या करेंगे, सपोज लिखेंगे रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर. क्या लिखते हैं, रूट टू इज़ ए रैशनल नंबर नंबर. ओके, देन रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड. क्या लिखेंगे, रूट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p अपॉन q, where p and q हैव नो कॉमन फैक्टर. क्या लिखा है हम लोगों ने, कि जहाँ पे p एंड q को कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ओके, चलो मान लेते हैं रैशनल नंबर. ओके, क्या किया हम लोगों ने, फर्स्ट सपोज रूट टू इज अ रैशनल नंबर, देन रूट टू कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म p अपॉन q, where p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, therefore हम लोग लिखेंगे therefore root 2 is equal to p upon q. therefore मैं इसको लिखूंगा 2 is equal to p square upon q square, या आप लिखेंगे squaring both sides, दोनों sides का square ले लेंगे हम लोग, squaring both sides. क्या किया हम लोगों ने, दोनों side का square ले लिया. okay, squaring both sides. अभी क्या किया है, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया. okay, therefore 2q square is equal to p square. ओके, आ गया p square. ओके, therefore 2 is a common factor of p. ओके, therefore 2 is a common factor of ओके p. 2 के है p का common factor है. ओके, ओके, सो ये मैंने लिख दिया, therefore 2 is a common factor of p. ओके, let p is equal to 2t. अब कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि p is equal to क्या है, 2t. ताकि 2 क्या है, p का कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने यहाँ का q चेंज करके यहाँ पे t ले लिया. ओके, देयरफॉर p square is equal to 2t square करेंगे हम लोग, ताकि p का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है. देयरफॉर p square is equal to
फोर टी स्क्वेयर। ओके, इसको मान लेते हम लोग, ये दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, तो क्या हो जाएगा अभी देखो, फ्रॉम वन एंड टू आपको मिलेगा टू क्यू स्क्वेयर, टू क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर टी स्क्वेयर। ओके, अभी टू टू निकाल देंगे हम लोग, देखो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा मेरे पास टू टी स्क्वेयर। ओके, ये सेकेंड आ गया। अभी आप लोग अगर इसको और इसको कंपेयर कर दोगे, ओके इफ़ यू कंपेयर दिस एंड दिस, देयर फॉर वापिस मेरे को मिलेगा आगे का स्टेटमेंट, टू इज़ अ कॉमन फैक्टर, टू इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ क्यू। लेकिन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पी एंड क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हम लोगों ने लिखा है। ओके, देयर फॉर टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर सपोजिशन, इसको सपोजिशन बोलेंगे क्या, नहीं तो क्या बोलेंगे, अजम्पशन। ओके, देयर फॉर दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर सपोजिशन बोल देंगे, नहीं तो अजम्पशन बोल देंगे, सपोजिशन। देयर फॉर टू इज एन इरैशनल नंबर, तो ये इरैशनल नंबर नहीं बन सकता, तो ये क्या बनेगा, इरैशनल नंबर बन जाएगा। आपको एक और बात बता दूं मैं, कि जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं रहता वो इरैशनल नंबर रहता है। ओके, दोज नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर आर द इरैशनल नंबर्स, दोज नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर, और जो नंबर रैशनल नंबर नहीं वो इरैशनल नंबर है। ओके, तो मैंने क्या किया था, देखो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, मान लिया कि रैशनल नंबर है, उसको मैं इस कन्वर्ट कर दिया, मुझे क्या मिला, टू इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी। मैंने लेट, नहीं तो सपोज, लेट कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर पी इज इक्वल टू टू टी, ताकि पी का क्या है मेरे पास, टू कॉमन फैक्टर, इसलिए मैंने इसको अजम्पशन में ले लिया। पी स्क्वेयर को मैंने इसको कन्वर्ट किया, पी स्क्वेयर इज फोर टी स्क्वेयर आ गया। अभी यहाँ पे मेरे पास पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर है, मैंने ये दो को कंपेयर किया, फ्रॉम वन एंड टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, फ्रॉम वन एंड टू यहाँ पे लिखूंगा मैं, फ्रॉम वन एंड टू क्या लिखूंगा, फ्रॉम वन एंड टू लिख दूंगा। ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम वन एंड टू मुझे क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू स्क्वेयर टू टी स्क्वेयर मिला। यहाँ पे क्यू का भी टू क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, और हम लोगों ने अजम किया है कि दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तभी वो क्या रहने वाले, रैशनल नंबर। ओके, तो क्या किया, तो मैंने दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू आवर सपोजिशन और अजम्पशन, सो रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर नहीं हो सकता तो वो क्या होगा, आपका इरैशनल नंबर होगा। ओके, तो आपको इस तरह से क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि कोई नंबर रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। ओके, तो मैंने प्रूव कर दिया, आपको आगे के सारे मतलब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा, आप नेक्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैं जो भी बाकी नंबर्स बचे इरैशनल नंबर, हाउ दे आर द इरैशनल नंबर, हम लोग ये प्रूव करेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर देंगे, और लास्ट देन विल स्टार्ट द सर्ट्स, ये सर्ट्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आगे की वीडियो में आपको मिलेगा नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे।